दिखाते हैं जहां बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मतदान किया। मेरठ में अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डाले पहुंचे। दूसरे चरण में पहले फेज से ज्यादा वोटिंग होगी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं। जो एक वक्त में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे और इस वक्त में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। फर्स्ट फेज में हमने देखा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश भर में जहां जहां भी मतदान हुए वोटिंग प्रतिशत कम रहा। सेकेंड फेज में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, या विपक्ष का कहना यह है कि चूंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो जो मौजूदा सरकार उसको खतरा है? नहीं, कोई खतरा नहीं है। और द्वितीय चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होगा ऐसी संभावना नहीं है। आप मेरठ से आते हैं, मेरठ में अरुण गोविल जी को उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति को मेरठ में लाया गया, हालांकि उनका जन्म यही हुआ। अरुण गोविल जी का जन्म नगर पालिका के क्वार्टर्स में, इनके पिताजी यहाँ पर वाटर वर्क्स इंजीनियर थे और 5वीं क्लास तक सरस्वती शिशु मंदिर पूर्वा महावीर, और उसके बाद 12वीं क्लास तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़े। फिर पिता का स्थानांतरण शाहजहानपुर हो गया, इसलिए वो उसके बाद की शिक्षा वहाँ करी। नंबर एक। नंबर दो, अवतार सिंह भड़ाना जी ने यहाँ संसद में प्रतिनिधित्व किया है, वो फरीदाबाद के थे। आदरणीय बहन मोहसिना किदवई जी ने संसद में यहाँ से प्रतिनिधित्व किया, वो बाराबंकी की थी, तो वो बाहरी नहीं थे। आज यही बाहरी दिख रहे हैं।